गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये है गणपति का ब्लॉग। थोड़ा लेट हो गया मेरा क्योंकि मैं बाहर आई हुई हूँ, तो थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा एडिट करके अपलोड कर दूँ ब्लॉग। तो यहाँ पे देखिए, आटा ले लिया है मैंने लड्डू के लिए, लड्डू बना रही हूँ और उसमें डाल दिया है घी का मोहन और थोड़ा सा पानी गुनगुना किया है उसमें डालने के लिए। और बस इसका थोड़ा सा ड्राई सा डो लगाएंगे और मुट्ठी बना लूँगी लड्डू बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आई हुई हूँ यहाँ पर अम्बाजी दर्शन करने के लिए। माँ मोढेश्वरी के, कुलदेवी के हमारे दर्शन किए हैं और अम्बा जी के भी दर्शन कर लिए हैं हमने इस टाइम पे जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तब, क्योंकि 2 दिन तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला। तो दर्शन हमारे हो गए हैं और उसके बाद यहाँ पर भी 2 दिन बाद टाइम मुझे मिला तो मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और देखती हूँ अभी अपलोड कर सकती हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने डो लगाती जा रही हूँ और इसके बना देंगे मुट्ठी पटाखे बनाने लगी। गणपति के जो गणेश चौथ होती है उसके दूसरे दिन ही हम लोग, सेम डे ही निकलना था लेकिन टिकट में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो फिर हम सेकेंड डे ही सुबह जल्दी ही निकले गए थे। ब्लॉग मैंने शूट किया है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे देखिएगा, इसलिए ब्लॉग मेरे नहीं आ पाए थे, यही रीज़न था। ब्लॉग अभी बीच में गैप हो गया 3 से 4 दिन का, नहीं आ पाए क्योंकि एडिट करने का ही टाइम नहीं मिला सफ़र सफ़र में ही। और सफ़र में तो ये सब हो ही नहीं पाता, एडिटिंग वगैरह वॉइस ओवर नहीं हो पाता है इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, ऑयल भी रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, साथ में मुट्ठी थोड़े से बनाए फिर ऑयल रख दिया ताकि मुट्ठियाँ बनाऊँगी तब तक ऑयल भी गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने एक बेच निकाल दिया है, 3 बेच में काम हो गया था मेरा लगभग। मैंने 1 किलो आटा लिया था, थोड़ा छान लिया था, थोड़ा सा उसमें निकल गया था ऊपर कचरा भी, तो लगभग मान लो कि 800 ग्राम ऐसा कुछ होगा, 100-150 ग्राम निकल गया होगा ना। मैंने ले लिया था लड्डू का आटा, उतने लड्डू बनाए थे, साथ में हम लेके भी आ गए। तो फटाफट से मुट्ठी तल लेते हैं, उसके बाद इनको मैं ठंडे करके कर लूँगी मिक्सी में पाउडर इनका। नेक्स्ट भी जो है सारे ब्लॉग ट्रैवलिंग ब्लॉग आएंगे, आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर भंडारा करते हैं हस्बैंड और उनकी फैमिली, सारी ससुराल फैमिली मेरी है वो, तो वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, दर्शन किए हैं, कुलदेवी अम्बाजी के दर्शन कर लिए हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर भंडारे के भी आपके साथ मैं ब्लॉग शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग, नेचर के ब्लॉग दिखेंगे, जंगल के, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने क्रश कर लिया है लड्डू का और अब इसका कर देंगे पाउडर फटाफट से। तो देखिए, एक बेच मैंने कर लिया है, अब दूसरा भी कर लूँगी, ठंडे हो गए। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने ही रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेवलिंग ब्लॉग मिलेंगे, नेचर के बहुत ही अच्छे अच्छे ग्रीनरी दिखाऊंगी आपको मैं, पानी वगैरह बहुत ही अच्छा नेचुरल दिखाऊंगी चीज़ें सारी नेचर आपको। तो बने रहिएगा ब्लॉग में और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखिए, पाउडर रेडी हो गया था, मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा और थोड़ी सी खसखस मैंने डाली है अंदर। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट मैं घी में रोस्ट करके रख रखा था तो वो मैंने डाल दिया है, काजू बादाम पिस्ता ये मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे देख सुन सकते हैं आप चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़, हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं फार्म हाउस है, यहीं पर ठहरे हैं आज, तो चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी शाम का टाइम है, तो चाँचू सुनाई दे रही होगी आपको। तो चलिए वापस आते हैं लड्डू की तरफ। तो लड्डू में मैंने थोड़ा जो घी में मैंने रोस्ट किया हुआ था वो मैंने डाल दिया और थोड़ा ड्राई स्लाइस किया हुआ था वो मैंने डाला है। यहाँ पे थोड़ा सा अखरोट जो है वो मैंने क्रश करके रखी हुई थी तो वो डाली है। और अब हाथ धो लेते हैं फटाफट से, इनके बना देते हैं, मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें चीनी वगैरह डाल के बढ़िया से सब मिक्स करके लड्डू बना लेते हैं। और देखिए चिड़ियों की आवाज़ कितनी ज़ोर ज़ोर से आ रही है, अभी यहाँ मैं वॉइस ओवर करने के लिए बाहर बैठी हूँ गार्डन में, तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है चिड़िया की, क्योंकि शाम का टाइम है, इस टाइम पे तो ज़्यादा ही आती है आवाज़। तो यहाँ पे देखिए, फटाफट से घी गर्म करते हैं, लड्डू की तरफ भी आ जाते हैं चिड़ियों की चहचहाहट सुनते सुनते। तो चीनी मैंने मिक्स कर दी है, चीनी को मिक्सी में मैंने पीस लिया था और अब यहाँ पे
चीनी मिक्स कर देते हैं, अभी घी नहीं है। चिड़ियों की आवाज़ में मैं ये भी भूल गई हूँ कि ध्यान मेरा वहाँ ही जा रहा था चिड़ियों की आवाज़ सुनने में। तो चीनी मिक्स कर लेते हैं फटाफट से, और अब डालते हैं इसमें घी। घी मैंने गुनगुना कर लिया है, तो यहाँ पे इसमें आ ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा बड़ा बर्तन ले लिया, बर्तन छोटा पड़ गया था तो मैंने ले लिया है। और यहाँ पे चलिए मिक्स कर लेते हैं, साथ साथ में यहाँ की भी बात करते जाते हैं। तो वीडियो की आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं, कंटिन्यू स्टार्ट है। अभी थोड़ा शाम हो गई है, मतलब अंधेरा सा होने लगा है हल्का सा। बाकी मैं कल काफ़ी सारा यहाँ पे भी रिकॉर्ड करने की ट्राई करूँगी, अगर मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। तो चलिए, क्योंकि अभी तो लेट हो गया, अंधेरा भी हो गया, इतना अच्छा आएगा नहीं वीडियो वगैरह। तो यहाँ पे फटाफट से इसको मिक्स कर लेते हैं, और इसमें डालेंगे घी और बना देंगे लड्डू। काफ़ी लेट हो गया था मेरा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी घी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए लड्डू मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं। तो लड्डू मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए थे, बिल्कुल नींबू के आकार के ही बनाए थे मैंने, ताकि बच्चों का खाने का इजी रहे। लोग फिर खाते नहीं हैं ट्रेडिशनल खाना, तो नखरे करते हैं, इन लोगों को तो सब दूसरी चीज़ें पसंद आती हैं। तो मैंने छोटे छोटे ही बनाए, ताकि एक एक बार में एक लड्डू आराम से खा सके सब लोग, बच्चे टेस्ट भी करेंगे तो एक लड्डू छोटा लेंगे तो उतना तो पूरा खा ही लेंगे, इसलिए मैंने छोटे छोटे से बनाए हैं लड्डू। तो लड्डू मैंने बना दिया, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, इनको रख दूँगी इसमें भर के, ताकि इनको हवा लगेंगे तो फिर ड्राई हो जाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने इसमें रख दिए हैं। और साथ में यहाँ पे सब्ज़ी कट कर दी, तो रोई क्योंकि हस्बैंड के दांतों में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो लड्डू बाटी तो वो नहीं खा पाएंगे, इसलिए दाल बाटी कैंसिल रखी है, नहीं बना रही हूँ मैं, सिर्फ लड्डू ही बना लिए हैं। तो रोई की थोड़ी गीली गीली सी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, लड्डू हमारे बन चुके हैं, चलिए फटाफट से करके दूसरे काम पैसे बंद करके। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से कर लेते हैं क्लीनिंग, खाना बन चुका है, खा लिया है सबने, और फटाफट से बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, और मुझे करनी है पैकिंग। थोड़ा टाइम मिल गया, आज का टिकट का थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो आज का टाइम मिल गया पैकिंग करने का मुझे। तो फटाफट से यहाँ पे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, और काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करने के बाद फिर करूँगी मैं पैकिंग, क्योंकि पैकिंग भी नहीं हुए, थोड़ा कंफ्यूजन था कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों का थोड़ा स्कूल का और वो देखना पड़ता है इसलिए। पर फाइनली हम कंफर्म हो गया था कि हमारा जाना ही है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं कर लेती हूँ पैकिंग, और कुछ कपड़े हैं जो पुराने हैं, मतलब थोड़े जो हम नहीं पहनते वो भी मैंने निकाले हैं, तो वहाँ पर हैं कुछ लोग जिनको मैं दे दूँगी, तो कुछ काफ़ी सारे मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। तीन चार साड़ियाँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर सारी अपनी फैमिली होगी मेरी ससुराल की, तो साड़ी ही लेनी है मुझे, और एक कुर्ती ले लूँगी, तो सफ़र के लिए साड़ी कंफर्टेबल नहीं होती है, तो फिर मैं एक सूट ले लूँगी जो मैं ट्रेन में पहनने के लिए काम आ जाएगा, ट्रेन के लिए
क्योंकि सफ़र में चढ़ने उतरने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है साड़ी में, क्योंकि बैग भी संभालने होते हैं, अपने बैग रहता है, पर्स रहता है, तो फिर साड़ी में ट्रेन में चढ़ना उतरने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो सुबह की है तो दिन का ही सफ़र है, तो मॉर्निंग में हमको 6 बजे की कुछ ट्रेन है, तो जल्दी ही निकलना पड़ेगा। खाना वगैरह भी बना के लेना होगा बच्चों का और इनका, तो लेट हो जाएगा फिर, इसलिए अभी पैकिंग सब करके रख लूँगी और सूट ही पहनूँगी मैं। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रख रही हूँ, साड़ी वगैरह क्या लेना है क्या नहीं। और मान्या से थोड़ी हेल्प ले ली कि वो मेरे रिकॉर्ड कर ले मेरे लिए। तो यहाँ पे देखिए चूड़ियाँ निकाल रही थी, तो मान्या को दिखा रही थी मैं कि मैं कौन सी वाली लूँ। ऐसा ही लूँ जो सब पे चल जाए, क्योंकि इतना सारा सब उठा के लेकर नहीं जाया जाता है। तो मैं कुछ ऐसा ही ट्राई कर रही थी कि ऐसा लूँ जो सब पे चल जाए, तो मान्य को पूछ रही थी मैं कि कौन सा लूँ मैं। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।